16.25 करोड़ अगर दे दिया जाए और वो कोहली 17 करोड़ फिर युवराज सिंह ने शायद 16 करोड़ लिया था 2015 में पैट कम का पिछले साल साढ़े पंद्रह करोड़ था कायल जेमिसन 15 करोड़ में इस बार ही uh, अप और बेन स्टोक्स साढ़े चौदह करोड़ था 2017 में ग्लेन मैक्सवेल uh, जो है वो चौदह दो पांच करोड़ में इस बारी सेलिंग uh, हुई है तो जब हम ये देखते हैं तो ऑब्वियसली प्लेयर्स जो टॉप प्लेयर्स हैं उन्होंने क्या अट्रैक्ट होना है लेसर देन आईपीएल में जी क्या कहते हैं राशिद सर यही है कि अगर मेरी जो वर्थ है नाइन टू फाइव जॉब करने की वो एक लाख रुपए है और मुझे कोई दस लाख देगा तो गलत काम करवाएगा ना दूसरा सवाल पूछे तो गाइज ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म अब बात करते हैं लकड़बग्गे राशिद लतीफ़ के बारे में लकड़ बग्घा बोल रहा है कि जो आई है उसमें जो ज़्यादा पैसे मिलते हैं खिलाड़ियों को वो उसकी वजह है कि यहाँ पर गंदे गंदे काम होते हैं मतलब इनडायरेक्टली इसका कहना है कि आई में होती है फिक्सिंग मतलब ये वही पाकिस्तानी है जिसके सबसे ज़्यादा खिलाड़ी फिक्सिंग में इन्वॉल्व रहे हैं तो दोस्तों अब क्या बात करें अब इनके बारे में तो राशिद लतीफ़ मतलब एक ब्रांड वैल्यू एक इकोनॉमिकल एक फाइनेंशियल ये चीज़ें नहीं समझते हैं आप समझ सकते हो आईपीएल की ब्रांड वैल्यू क्या है आईपीएल के खिलाड़ियों को कितना पैसा मिलता आ रहा है आईपीएल का जो पहला सीजन हुआ था उसमें धोनी को सबसे ज़्यादा पैसे मिले थे सात करोड़ उस समय मतलब आप समझ सकते हो दो इतने अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग में किसी खिलाड़ी को नहीं मिलते हैं पाकिस्तान में बिडिंग वाला सिस्टम नहीं होता है मतलब ऑप्शन नहीं होता है पाकिस्तान में होता है ड्राफ्ट सिस्टम जिसमें पहले से जो खिलाड़ी हैं उनको फिक्स कर दिया जाता है प्लेट गोल्ड गो ऐसा मतलब ऐसा प्लेटेनियम सिल्वर एस टाइप की कैटेगरी में फिक्स कर दिया जाता है और उनके प्राइस फिक्स कर दिए जाते हैं एक करोड़ दो करोड़ वो भी पाकिस्तानी रुपीज़ या मुझे पता नहीं उसके बारे में ये पता है कि एक करोड़ दो करोड़ इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है और उसके बाद टीमें सेलेक्ट है करती हैं तो मतलब अब पाकिस्तानियों की ब्रांड वैल्यू ही नहीं है पाकिस्तान का मतलब आप समझ सकते हो पाकिस्तान क्या है इसमें आई में जो खिलाड़ी जैसे कि मैं बात करूँ कोई ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैं बात करता हूँ पैट कमिंग्स की पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया में अगर तीन चार साल खेले तो भी वो इतना पैसा नहीं कमाते जितना वो एक सीजन मतलब एक सीजन तो चौदह मैच अगर क्वालिफाई नहीं करती है टीम क्वालिफाई करने के बाद भी ज़्यादा ज़्यादा पंद्रह सोलह मैच होंगे तो उतने मैच खेलने से कमा लेते हैं तो आया। अब इसके बारे में लतीफ़ सीधी बात है इसके जल जल रही रही है है इसकी जम के जल रही है। और इसमें कुछ कहना नहीं चाहूंगा और राशिद लतीफ अपना खुद का यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने आप को बड़ा कंट्रोल करता है कि मैं ऐसा कुछ बयान ना दे दू इंडिया के अगेंस्ट क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स मतलब रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का एक ही ड्रीम होता है अच्छा एक यूट्यूब बनाऊं और इंडिया की जम के तारीफ़ करूं जिससे कि इनके व्यूज़ आए आपने देखा कि पाकिस्तानी ज़्यादातर क्रिकेटर बस इंडिया इंडिया लगे रहते हैं क्रिकेटर तो छोड़े माथ हाँ हाँ के जर्नलिस्ट लगे रहते हैं इसके रिएक्शन में पाकिस्तान के रिएक्शन में बिक्रांत गुप्ता ने भी एक वीडियो डाला था कि हम आपकी क्रिकेट इतनी ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपको पता होगा पाकिस्तान ने अभी होम होम जो उनकी सीरीज़ हुई थी साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये दो जीरो से जीते थे तो वहां से पाकिस्तानी पूछ रहे थे कि विक्रांत गुप्ता से कि आप एक शो क्यों नहीं करते पाकिस्तान की जीत पर तो उन्होंने बोला कि हमने बता दिया कि जीत गई लेकिन हम ऐसे शो नहीं कर सकते बड़े बड़े क्योंकि इंडिया क्रिकेट में ही इतना ज़्यादा मतलब हमें डिस्कस करना होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है उसके बाद वो जल गए तो उसके रिप्लाई में बोला कि पाकिस्तानी मतलब जो यूट्यूबर है या जर्नलिस्ट है उनकी ज़रूरत है भारत पर डिस्कस करना क्योंकि उनके व्यूज़ आते हैं भारत से उनका पैसा आता है भारत से तो हम इतना डिस्कस नहीं कर सकते उसके बाद इन बेवकूफों का रिएक्शन आया कोई जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता को गाली देने लगे सच सुनने की तो इन सच मतलब इनसे बर्दाश्त ही नहीं होता इनका कॉट बिहाइंड हो या शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल हो शोब अख्तर का आप यूट्यूब चैनल देखें इंडिया के मैचेस के व्यूज़ देखें और पाकिस्तान के मैचेस के व्यूज़ देखें आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों मैं क्या कहना चाह रहा हूँ तो क्या बोलूँ अब मैं इनके बारे में अब इनकी सोच ही ऐसी है हालाँकि अगर आपको लगता है जो पाकिस्तानी प्लेयर है पाकिस्तानी प्लेयर अगर आई खेलते तो उनमें से कौन से क्रिकेटर्स आईपीएल में बिक पाते प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं क्योंकि मुझे तो नहीं लगता मोहम्मद आमिर और शायद साहिन अफरीदी के अलावा कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर आईपीएल खेलने के लिए मतलब कैपेबल है क्योंकि आपको भी पता है बाबर आजम है बड़े बल्लेबाज लेकिन उनमें भी वो एक्स फैक्टर नहीं है जो आईपीएल में चाहिए अगर वो विदेशी बल्लेबाजों अगर बाबर आजम लोकल होते तो डेफिनेटली टीम में सिलेक्ट किए जाते लेकिन वो एक्स फैक्टर चाहिए आपको पता है डेविड मालान बड़ी मुश्किल से एक तो उनको इस बार आई का कॉन्ट्रैक्ट मिला इतने बड़े प्लेयर हैं टी में नंबर वन प्लेयर है उसके बाद उन्हें बेस प्राइस पर ख़रीदा गया है तो बाबर आजम भी शायद नंबर फोर पर हैं अभी रैंकिंग में और नंबर थ्री ऑस्ट्रेलिया के टी ट्वेंटी कैप्टन एरन फ्रेंच आई से बाहर उन्हें खरीदार ही नहीं मिला तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद